गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू आतू न्यूज़ 24x7। माई नेम इज़ योना टोनी एंड टुडे वी आर एक्ट हियर डेरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज। आज पता चला है इस डेरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट इलेक्शन का नॉमिनेशन कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइलिंग डे है। चलिए इस बारे में और जानते हैं, या स्टाफ से लेके और स्टूडेंट्स को से लेके आज किस तरह का ये प्रोसेस चल रहा है आफ्टर एक साल गैप होने के बाद फिर से कॉलेज शुरू हुआ और ये इलेक्शन खेल रहा है। जैसे आप हम सब जानते हैं कि पहले एक साल पहले कोविड के कारण कॉलेज स्कूल ये सब बंद रहा। मायसेल्फ बिरी तमंग एंड आई एम प्रशिंग माय बीए थर्ड सेमेस्टर डीएनजीसी। सुनने में आया आज नॉमिनेशन ये फाइलिंग नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट है। हाँ, आज पूरा ये डीएनजीसी में जितना इलेक्शन का प्रोसेस आज नॉमिनेशन का डेट था, तो नॉमिनेशन पूरा सक्सेसफुली हुआ है। यही चाहता हूँ कि फाइनल तक भी यही मतलब चलते रहे, पीसफुल से ना फाइनल ये इलेक्शन तक मतलब झगड़ा पेशा नहीं होने से, वही पीसफुल से वही होने से टीके वही है। सुनने में आया कि यह बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जो जीएस किट होगा, जीएस कंटेस्टेंट कैंडिडेट, उनमें से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो नाम नहीं लेगा, हम जो सच्चा है ना, जो मतलब स्टूडेंट का वॉइस को उठा सकता है ना, डीएनजीसी का वॉइस को उठा सकता है, उसको हम सपोर्ट करें। और जो भी मतलब ये प्लेटफॉर्म में आते हैं स्टूडेंट का वॉइस को जो लेके जा सकते हैं, उसको हम सपोर्ट करेगा। क्या आपको लगता है कि जो अभी का टाइम पे एज वी नो दैट ग्लोबल कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है और यहाँ शुरू भी कर दिया है कि मीन्स कॉलेज खोल दे फिर इलेक्शन चल रहा है, क्या इस बात में आपका क्या राय है? ये तो अभी तो एक्चुअली कोविड का समय हो तो हम भी है मालूम है और सब ये स्टेट आपका मालूम है, लेकिन एज अभी देखो ये क्लास टू और ये ऑफलाइन क्लास हो रहा है, वैसे भी वहाँ इतना टाइट पैट स्टूडेंट तो क्लास ले ही रहे, तो इलेक्शन जो अगर उसमें क्लास में टाइट पैट ले रहे उसमें कुछ भी मतलब स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में लीडर नहीं होने का कारण से क्लास अभी बहुत वर्स्ट हो रहा है ना, उसका कारण से मैं कहीं ना कहीं अभी लीडर अच्छा लीडर चुने से कल को क्लास जो मतलब अच्छा वे में कैसे करके फैकल्टी लुक चलाएगा, उसको स्टूडेंट लुक की लीड करके जाने से क्लास और भी अच्छा से नॉर्मली चलेगा। थैंक यू। पर ये बता सकते हैं कि आपके नज़र में जो 5-6 कैंडिडेट में से जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट जीएस कैटेगरी में, उनमें से आपको सबसे डिजर्विंग किसको लगता है? डिजर्विंग तो वो तो स्टूडेंट स्टूडेंट का नज़र से अलग अलग, जैसे कि हम लोग को कोई एक ना, जैसे कि वो किपा अनुंगते जो मतलब एक अच्छा ये लीडर है, उसका टॉकिंग कैपेसिटी है, वो जो कहीं ना कहीं में ये के लिए स्टूडेंट का वॉइस को उठा सकता है। हो गया अभी रिलचा रिका हो गया, वो भी ठीक है, और ये नंगराम कायंग हो गया, उसका बाद ये चारू मरकुम हो गया, सब लोग कैपेबिलिटी तो अलग अलग में कैपेबिलिटी है, जिस मतलब जो मतलब स्टूडेंट का वॉइस को अच्छा से उठा सकता है ना, उसको हम लोग वोटिंग मारेगा। ऐसे नहीं कि हम कैंडिडेट का नाम को ऐसे मतलब नॉर्मल लेना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सपोर्टर का एक फीलिंग्स होता है, उसको हम हार्म पहुँचाने नहीं चाहते, वही हम अपील करते हैं। जितना हमारे डीएनजी से स्टूडेंट है ना, जितना उसके अपना सही वोट को चुनो, सही सच्चा लीडर को चुनो, जो स्टूडेंट का वॉइस को है उसको चुनो। बता सकते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम किपा रंग है। किपा रंग है, तो आप कौन सा कैंडिडेट को सपोर्ट करें? सुना है, सुनने में आया है कि 5 कैंडिडेट है फिलहाल जिन जो डेरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज का जो जीएस कंटेस्टेंट कैंडिडेट है, उनमें से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी 6 कैंडिडेट है और 6 कैंडिडेट में से जी अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है। हम किपा नोंगटे को साथ दे रहा है। किपा नोंगटे हम लोग का कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट के हमें एक कोऑर्डिनेशन निवास से ऑफिशियल कैंडिडेट है, इसलिए उसके लिए हम साथ दे रहे हैं। और ये कुरुंकुमे कोऑर्डिनेशन का हमें एक वाइस चेयरपर्सन है, सो इसलिए हम उसको साथ दे रहे हैं। सर, क्या आप बता सकते हैं आज ये डेरा नाथुन गवर्नमेंट कॉलेज में इतना ऑटो क्यों और किस लिए है, इस बारे में थोड़ा से बता दीजिए।
ओ भाई वही है, हम लोग ईटानगर का ऑटो ड्राइवर लोग हैं ना, तो हम लोग बहुत खुशी है आज, मतलब आज हम लोग ईटानगर में जो ऑटो चला था उसका बेटा एक मतलब यार जीएस कंटेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग भी स्कूल कॉलेज पढ़ के आए लेकिन कभी नहीं सुना मतलब किसी ऑटो ड्राइवर का बेटा जीएस कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आज युरा ताजा उनका पिताजी ऑटो ड्राइवर, हम लोग ऑटो चला रहे साथ में, तो वो जीएस कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जितना भी ऑटो ड्राइवर है बहुत विलिंगली खुशी हो गए देखने आया, मतलब ना हम लोग ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी जीएस कंटेस्ट कर सकता है ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है, इसलिए देखने आए बस वॉलेंटियरली। और आज जितना भी हम लोग दोस्त लोग हैं बस मॉरली सपोर्ट दे के आया हुआ है। अच्छा, आज जो नॉमिनेशन फाइल है उनके लिए आया आप? हाँ, हम लोग देखने दिल है, मतलब ना सब देखने दिल हो गया है, बहुत खुशी है, वही बयां नहीं कर सकता वो कैसे बोलेगा ना, लेकिन दिल का अंदर खुशी है कि आज हम लोग का एक ऑटो ड्राइवर का बेटा भी डीएन कॉलेज का जीएस बन सकते हैं, हम लोग जो कभी नहीं देखा है, हमेशा कोई रुपया पैसा वाला ही बनता है। अगर आज स्टूडेंट लोग बेटा भाई बहन लोग बेटा बेटी लोग आज अगर युवा ताजा को बहुत मार के जिताता बोलने से एक हिस्ट्री होगा ना, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा फर्स्ट टाइम 40 साल ज़्यादा हो गया डीएन कॉलेज, फर्स्ट टाइम एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जीएस बनेगा, तो बहुत खुशी का बात होगी स्पेशली हम लोग के लिए। और हम लोग जो दोस्त लोग आए हम लोग मॉरली बहुत साथ में है ना, फिनेंशियली कुछ नहीं देखने से भी हम लोग मॉरली साथ में है, थैंक यू इतना ही है। और उनका पापा भी आया हुआ है, पापा भी मालूम होगा उसका दुख दर्द को ना कैसे करके उसका बेटा जीएस कंटेस्ट कर, आप उससे भी इंटरव्यू लीजिए। थैंक। चलिए तो अंकल आप बताओ, आज आप पूरा ऑटो टीम को लेके आए हैं, इस बारे में आप अपना तरफ से भी बताते, सुनने में आया आज डी एजेंसी का नॉमिनेशन फाइल है। हाँ, आज मेरा बेटा का युवा तेजा का आज इसको तेजी दिन है ना, उसके लिए हम ऑटो टीम पर मेरा साथियों को बोला के इधर दे आया, ये नॉमिनेशन फाइल में देखने के सपोर्टर देने के लिए, मेरा पास कुछ नहीं है, दोन दौलत नहीं है, ये सिर्फ ऑटो सरा हुआ है, सब दोस्त लोग को बुला के इस आदमी में मेरा पास कार लेने के लिए औकात नहीं है, कुछ हिम्मत नहीं है बड़ा गाड़ी लेने के लिए, ये बाइक जो सब करे देने के लिए भी ऑटो ही मेरा सहारा है, उसी से लेके बेटा का सपोर्टर के लिए आया, वही है मेरा कहानी। अच्छा, आपका दोस्त में से जो साथ आया उनमें से आपको कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हाँ, जी हाँ, थैंक यू। ये हम लोग का जो ऑटो ड्राइवर का ये ना बेटा जो जीएस होते का बोल के ना आज नॉमिनेशन पाया है ना, इसलिए हम लोग का ऑटो ड्राइवर लोग ऑटो इन लोग आया है यहाँ में, बहुत खुशी है। ऐसे होने से ना आजकल देखा गया तो ये मिनिस्टर का भाई भैया लोग ये जीएस आपसु आंसु ऐसे होता है ना, कभी ऑटो ड्राइवर का ये बेटी बेटा लोग नहीं होता है, ये फर्स्ट टाइम है, हम खुशी है उसको जो तो हारो ना थोड़ा ये करने से साथ देने से, ठीक है। हाँ, मेरा ये लोग ना हमारा जो ये रिलेशन हमारा भाई भैया लोग और बहन लोग हम लोग का इधर कोरोन को में करा दादी लोग ना लड़का लोग यहाँ में साथ देने से, ठीक है, ऐसे वाला को ना ऐसे वाला को साथ देने से, ठीक है, हम लोग का ये जुटने से ना अच्छा होगा, ये गरीब का बेटा तो ये जुटने के बाद में तो कुछ ना कुछ ना कुछ ये अच्छा होगा, ये गरीब आदमी को शायद देगा होगा, साथ देगा होगा ऐसे। और हमारा जो यहाँ का ये कॉलेज लड़का लड़की पढ़ने वाला लोग साथ देने से, ठीक है, हमारा ना हमारा तरफ से हुए। बराबर, क्या आप ये दरानुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जरूर, लास्टली वही बोलेगा मेरा डीएन में पढ़ने वाला भाई बहन और कोई जो भी रिश्तेदार है यहाँ डीएन में, पूरा इंटायर अरुणाचल का और इंटायर इंडिया का आदमी लोग स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, बिहारी नेपाली जो भी बोल सब पढ़ते हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है लास्टली ये आतू न्यूज़ का थ्रू जो व्यूअर है इसका, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि युवा तजा को आप जैसे भी आपका प्यार और ब्लेसिंग देके जिताइएगा, और हम लोगों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है ना, बस अगर आप मेरा ऑटो ड्राइवर का बेटा को जिताता है बोलने से हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर देंगे कि आपका पढ़ाई लिखाई जीवन जो हो सफलता भरा हो, उतना ही प्रार्थना कर दे, और देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लास्टली अपील है जो भी आतू न्यूज़ का थ्रू आज का ये वीडियो को देखेगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप युवा तजा जो एक ऑटो ड्राइवर सिंपल गरीब ऑटो ड्राइवर का बेटा है उसको आप जिताइए डीएन का जीएस के लिए, उसके बाद एक हिस्ट्री क्रिएट कीजिए जो अभी तक नहीं हुआ है वो क्रिएट कीजिए, और कुछ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ लास्टली प्लीज़ आप युवा तजा को जिताइए, उतना ही है, थैंक यू। मेरा नाम गुच्ची गुच्चीर है और ये पढ़ाई बोलने से डीएनजीसी में इस बार
बी ए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर है और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर पेपर है। अच्छा सर, आप बता सकते हैं जो अभी दिन दिन से इतना भीड़ भाड़ चल रहा है, इतना स्टूडेंट आज यहाँ उधर इधर रनिंग कर रहे हैं, ये रीज़न क्यों है? कुछ लोग तो इलेक्शन है, नॉमिनेशन फाइल है, इस बारे में आपका क्या क्या राय है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आज ये जो आपकी ये इस न्यूज़ के थ्रू पे हम लोग को ये मैदान पे हम लोग को आज इस क्यों भीड़ भाड़ हो रहा है इसको हम बताने के लिए मौका मिल रहा है। सबसे पहले ये धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ चैनल को। आज इसलिए भीड़ भाड़ हो रहा है क्योंकि ये जो DNGSU एक हर साल इलेक्शन हुआ कराया जाता है, पर पिछला साल नहीं कराने का कारण से और इस बार करा हम लोग का मांग कर मान के जो प्रिंसिपल अथॉरिटी हो जो या DNGSU का कॉलेज अथॉरिटी मान के इस बार कराने का कारण है और आज नॉमिनेशन का डे है, इसलिए भीड़ भाड़ हो रहा है। तो हम भी वो उसमें से एक तो हिस्सा ले रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पे और ये DNGSU पे इस बार आने वाला काल को जो ये इलेक्शन हो रहा है उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू सर। अब अपना जो स्टूडेंट फ्रेंड है जो अपना जूनियर लोग से, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम वही बोलेगा जो इस बार वही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जो इस बार जो लीडर वो लीडर को चुनो जो इन स्टूडेंट का साथ में हम लोग घुल मिल के जो कुछ काम कर सकता है, जो डिजर्व है वो लोग को चुनो। और मेरा जस्ट माम को चुनो ऐसे नहीं बोल रहा है, हम विंग है, हम ये फोर्स में क्यों आ रहे हैं उसको सबसे पहले बताना चाहूँगा। हम यहाँ में इसलिए आ रहे हैं, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हम स्पोर्ट्स पर्सन है इसलिए स्पोर्ट्स में आ रहा है। कल को हम स्पोर्ट्स कैसे करके कैसे नहीं करना है उसको हम थोड़ा सा जानता है, तो मैं सर को आप लोग का वॉइस बन के सर को हम अगेंस्ट ये करना है वो करना है बोल के बताने के लिए आया है। और जो भी कल को GS AGS जो भी एग्जीक्यूटिव जितना होता है उसको इसी तरह स्टूडेंट को हम मेरा तरफ से वही अपील है, इसी तरह चुनिए जी जो आप लोग के लिए काम कर सके, आप लोग का वॉइस बन सके। पर वो उन्हें मत देखिए जो पैसा और जो या में बड़ा बड़ा भाषण मारने वाला उसको मत देखिए, जो कर सकता है कल को आप लोग का वॉइस बन सके उसको देखिए। थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या कहना है? तो सबसे पहले मैं अपना नाम को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम क्या चोपा इस कमिंग से बिलोंग करता है और इस वक्त हम भी अपकमिंग असिस्टेंट लिटरेसी सेक्रेटरी पोस्ट में उठ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से जैसे मेरा ये दोस्त अभी बोला है इस बार का को ये भाषणबाजी को छोड़ के, इसका तो डायरेक्ट क्लियर कट है यही है कि वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट मनी कल्चर। तो मनी कल्चर बंद करके एक डेवलपमेंट माइंड वालों का मसला ही करना चाहता है, मतलब GS का ऊपर ना इतना ही, मतलब स्टूडेंट को हम बोलना चाहता है कि मतलब जो कैपेबिलिटी है जो GS के लिए उसको सेलेक्ट करो और मनी कल्चर को छोड़ दो करके बस। थैंक यू।